नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। सिद्धू को पंजाब का पार्टी अध्यक्ष बना सकता है कांग्रेस हाईकमान, पूर्व क्रिकेटर को अपनी टीम चुनने की दी जाएगी आजादी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का एक और विवादित बयान, शरद पवार के हाथ में उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल, नाना पटोले के बयान से नाराज हुए एनसीपी प्रमुख। केंद्र राज्यों को दी चेतावनी, खुशफहमी ना पाले, लापरवाही से फिर बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। अमिताभ बच्चन के विरोध में मन से प्रतीक्षा बंगले के बाहर, बड़ा दिल वाला लिखा लगाया पोस्टर, सड़क के चौड़ीकरण में सहयोग करने की अपील। चुनाव बाद हिंसा पर घिरी ममता सरकार, मानवाधिकार आयोग ने कोर्ट से कहा बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून की जाए सीबीआई जांच। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की कमजोर कड़ियां बदलेगी भाजपा, संगठन की मजबूती के लिए मंडल बूथ और शक्ति केंद्रों तक ऑपरेशन की तैयारी। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की समय सीमा तय, वर्ष 2023 की समाप्ति से पहले होंगे दर्शन। वृद्धावस्था पेंशनर्स को बड़ी राहत, यूपी सरकार देगी 3.88 लाख बुजुर्गों को पिछले वर्ष की भी बकाया राशि। सपा के गढ़ में ओवैसी बिगाड़ेंगे सियासी समीकरण, यूपी के बड़े नेताओं को खलने लगी है कार्यक्रम में उमड़ती भीड़। खतरों को गहरा रहे आतंकियों के मॉड्यूल, अलकायदा यूपी में अपनी जड़ें जमाने का कर रहे प्रयास। बहरहाल पाकिस्तान ने लोगों के इमरान खान की दोहरी मार, बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। रिचर्ड ब्रांसन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने उठाए सवाल, अपने दावे के समर्थन में दिए कई तथ्य। पाकिस्तान में बस विस्फोट में अपने नागरिकों की मौत से चीन को लगा झटका, जांच के लिए भेजेंगे टीम। दक्षिण अफ्रीका में हिंसा रोकने के लिए सेना की तैनाती शुरू, हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 117 हुई। वियतनाम ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड 19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को दी मंजूरी, संक्रमण के दैनिक मामलों में रिकॉर्ड उछाल। जोकोविच ने ओलंपिक में भाग लेने का किया ऐलान, टोक्यो ओलंपिक और यूएस ओपन जीतने पर बनेंगे टेनिस का गोल्ड स्लैम। सौरव गांगुली ने कोविड पॉजिटिव, ऋषभ पंत का किया बचाव का, हर समय मास्क पहनना संभव। मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली की कप्तानी पर उठाए सवाल, कहा कोहली की कप्तानी में फैंस फैसले लेने की कमी। भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज से 2 दिन पहले श्रीलंकाई टीम को लगा झटका, कुशल परेरा कंधे की वजह से सीरीज से बाहर, 18 जुलाई से सीरीज की होगी शुरुआत। पहली बार भारत के 2 स्विमर्स ने ओलंपिक क्वालिफिकेशन सिद्धार्थ मल्होत्रा, सौरभ शेरशाह की टीजर आउट, 12 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म, फिल्म को करण जौहर ने किया प्रोड्यूस। आउटसाइडर्स फिल्म्स की ब्लर से तापसी पन्नू का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, फिल्म को 2022 में किया जाएगा रिलीज। अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के लिए किया बड़ा ऐलान, पिता की कविताओं को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करेंगे अमिताभ, हरिवंश राय बच्चन की किताब माइक और हेडफोन के साथ फोटो की पोस्ट। एसएस राजामौली की अगली फिल्म आरआरआर का मेकिंग वीडियो आया सामने, भव्य सेट से लेकर जबरदस्त एक्शन सीन्स की भी झलक दिखी।
बालिका वधू फेम सुरेखा सीकरी का निधन, 75 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। बात 25 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, होंगे जल्द हाजिर।